नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। काजल उठो, काजल, काजल, काजल उठो। रमेश, सोने दो ना। इतना अच्छा सपना देख रही थी। एक काम करो, तुम सपना देखती रहो। एग्जाम का क्या है? वो तो हर साल होता है ना? एग्जाम? एग्जाम? आज तुम्हारा बी फार्मा का आखिरी एग्जाम है और कितना लेट हो रहा है। ओह गॉड, आज तो मेरा एग्जाम छूट ही जाएगा। रमेश प्लीज आप मुझे एग्जाम सेंटर छोड़ देना प्लीज। आज नहीं, मैं तुम्हें तो एग्जाम सेंटर छोड़ पाऊंगा। मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए इतना लेट हो रहा हूँ। एक दिन अगर लेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी तुम्हारे पढ़ाए हुए बच्चे या तो टेम्पो में हेल्परी कर रहे हैं या साइकिल का पंचर बना रहे हैं। कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? अरे रमेश, ओ रमेश। हाँ बेटा। अरे अम्मा, कुछ चाहिए होता है तो बता दिया करो, अभी कुछ हो जाता तो। कुछ हो जाता तो मुसीबत कटती, तेरी भी और मेरी भी। अम्मा किसी बात कर रही है। अरे बेटा, मैंने सोचा था तेरी शादी हो जाएगी तो तू मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा, और हुआ क्या, तेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई। पहले सिर्फ माँ के लिए ही करता था और अब बीवी के लिए भी। अम्मा आशीर्वाद दो, आज हमारा एग्जाम है। जल्दी करो यार, लेट हो रहे हैं। अरे तुम ऐसे कैसे बैठे हो? तुम्हें पता है ना, आसपास लोग देख रहे हैं, तुम इस घर की बहू हो। लेकिन मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ, और अब बैठ गई हूँ यार, जिसे देखना है देखने दो। जल्दी चलो, हम लोग लेट हो रहे हैं, आगे से ध्यान रखूंगी बाबा। तभी तो तुम्हारी अम्मा से बनती नहीं और वो तुम्हें ताने मारती है। कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। तो चलो ना, वी आर गेटिंग लेट। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा स्कूल तो उस तरफ है ना? अरे वहाँ पे मेरे को थोड़ा काम है, वो निपटा लूँ, उसके बाद फिर सीधा स्कूल ही निकलूंगा मैं। कमाल है, सुबह से तो स्कूल के लिए इतना लेट हो रहा था, अब अचानक कौन सा काम आ गया। We'll be right back.
तुम्हें मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना मेरे नशेड़ पति अशोक का, वो अभी अभी घर से बाहर गया, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? अरे अशोक तो क्या, मुझे तुम्हारे मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा। इश्क के बुखार में तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, और अब तो तुम भी शादीशुदा मर्द हो, और ऐसे छुप छुप के मिलना कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा ना। देखो यार, तुम ना स्कूल से छुट्टी मत लिया करो, मैं रोज सुबह जब तुम्हें स्कूल में देखता हूँ ना, मुझे तभी सुकून आता है। देखो मास्टर साहब, अभी तुम यहाँ से जाओ, मेरे पति आ गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शाम को मिलते हैं। देख लो अम्मा, 8 बज गए हैं, लेकिन अब तक आपके सुपुत्र का कुछ आता पता नहीं है। अरे आता होगा, ऐसी कौन सी देर हो गई है, लड़का है, मिल गया होगा कोई यार दोस्त रास्ते में। लड़का है तो क्या हुआ, ये क्या बात हुई अम्मा? पहले अपने आप को देख, तब उसके लिए कुछ कहना। वो सामने वाली पंडिताइन कह रही थी कि मोटरसाइकिल पर लड़कों की तरह बैठती है तुम्हारी बहू। अरे आ गया बेटा। सुपुत्र को कुछ बोलो तो मिर्ची लगती है, अब बाहर बैठकर मेरी 1000 गलतियां गिनवाएंगी। मूड खराब है, इसको मनाना पड़ेगा आज। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। तीन महीने हो गए हमारी शादी को, और उन 3 महीनों में तुमने पहली बार मुझे कोई गिफ्ट दिया है। समथिंग स्पेशल? स्पेशल? आज वैलेंटाइन डे है, ऊपर से तुम्हारे एग्जाम्स भी खत्म हो गए। ओ अच्छा, ये बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? टॉप क्लास। क्या बात है। अरे अरे क्या हुआ, आज बड़ी मूड में लग रहा, पहले खाना तो खा ले। खाना तो अपने दोस्तों से खा के आया। अरे मास्टर साहब उठ भी जाइए, आज देर नहीं हो रही। मास्टर साहब उठिए, आज देर नहीं हो रही है। चलिए उठिए, ये लीजिए, मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। तुम मेरे कपड़े धोगी आज? और नहीं तो क्या, मेरी सौतन धोएगी। क्या बात है, आज मुझसे पहले उठ भी गई, घर के कामों में भी लग गई, माल हो गया यार। चलो अच्छा है, माँ को शांति तो मिलेगी। हैप्पीयर बार एंड रेस्टोरेंट, वाइन, बिस्की, चिकन बिरयानी, वाटर सोडा।
मुझे ही पता लगाना होगा इसके साथ कौन था। शायद कोई लड़की तो नहीं। ये देखिए अपने लड़के की अय्याशी, बार में किसी लड़की के साथ शराब पी रहा है, मांस भी खा कर आया है। दिमाग तो ठीक है ना? कभी ऐसा कुछ नहीं खाता पीता। अच्छा बुलाइए, पूछिए अपने बेटे से। अरे क्या हो गया सुबह सुबह, क्या पूछना है, पूछो मुझसे। क्या है ये? अरे तुमने बताया तो था कल यार दोस्त के साथ पार्टी करने गया हूँ, उसी का बिल है। काजल तुम भी ना राय का पहाड़ बना देती हो। सुन लिया, ले गया ना जवाब। तो सुबह से घर में कोहराम मचाते रखा हुआ है। वैलेंटाइन डे की पार्टी किसी लड़की के साथ मना रहा था। पार्टी तो एक बहाना है, मैं पता लगा के रहूंगी ये लड़की है कौन आखिर। हेलो रंजना। हेलो, कैसी है? वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, ये हैप्पी आवर रेस्टोरेंट तेरे घर के पास है ना? हाँ, क्यों? कल मेरा पति उस रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ कोई लड़की थी। मुझे पता लगाना है कि वो लड़की कौन थी। एक काम करना, तो उसकी जासूसी करना खुद ही स्टार्ट कर दे, जो भी होगा पता लग जाएगा, सिंपल सी बात है। अम्मा, डॉक्टर से बात हो गई है, आपके कुछ टेस्ट और करवाने, फिर आपके घुटने का ऑपरेशन करवाने हैं, उसके बाद आप फिर से चलने लगोगी। अरे बेटा, अब तू अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोच, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। अम्मा देखो, शादी मैंने तुम्हारी मर्जी से करी, पर कुछ दिन मुझे अपनी मर्जी की करने दो, ये सब बेकार की बातें मत किया करो। अरे अब क्या हुआ? सूखी से क्या हुआ? खुशबू आ रही है इसमें से, तो ये खुशबू लेडीज परफ्यूम की है। और बोलिए अपने बेटे को परिवार बढ़ाने के लिए, ऐसे बढ़ेगा परिवार, एक नहीं दो दो बहुएं रखकर। क्या हुआ, क्या बकवास कर रही हो सुबह से, क्या हुआ? ये किसका परफ्यूम है बताओ? तुम्हारा परफ्यूम तो है। तुम पागल हो गई हो क्या? शक्कर नाटक लगा रखा है यार, ये कोई रीजन हुआ शक्कर लेने का? ओहो मुझे बहन है, मैं स्कूल में बहुत लोगों से मिलता हूँ, अब क्या सबका परफ्यूम का ध्यान रखूंगा मैं?
कोई रीजन हुआ ही शक करने का? खुद का तो दिमाग खराब करती करती हो और सबका यहाँ पे दिमाग खराब करती हो। मैं सबका दिमाग खराब करती हूँ? ठीक है, अब जब मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी ना, तब तुमसे पूछूंगी। हेलो। हाँ जी। एक काजल को तुम्हारे परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आ गई मेरी शर्ट से, बाल बाल बचे आज। कब तक चलेगा रमेश ये सब? मुझे अपने नशेड़ी पति से छुटकारा पाना है और तुम्हें अपने शक की बीवी से। इस पे हम बाद में बात करते हैं, तुम अभी सो जाओ। क्या पता मेरी बीवी की नाक के साथ उसके कान भी बहुत बड़े, काम काम दोनों फंस जाएंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड्डू,
मॉर्निंग गुड्डू। आवाज तो काजल तेरी है, लेकिन ये गुड्डू कौन है? अरे बोलो ना गुड्डू, कैसे हो? तू ये गुड्डू वुड्डू छोड़, तेरे लिए एक सरप्राइज है। पता है तेरी ना बी फार्मा में जॉब लग गई है। सच्ची? हाँ, और पता है आज हमारा रिजल्ट भी आ गया है और तेरी 89% आई है, पता है तुझे? क्या बात कर रही है, सच्ची? मैं बहुत खुश हूँ, पता है? हाँ यार, ड्रीम था मेरा, कब से सपना देखा था मैंने, आज जाकर पूरा हो पाया है, सच्ची। तुम कहीं जा रही हो क्या? जी, वो एक्चुअली मैं 89% से पास हो गई हूँ। वो लास्ट टाइम बी फार्मा का एग्जाम दिया था ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी जॉब लग गई है। अरे बधाई हो, ये तो डबल खुशी की बात है, अब तुम MR बन गई हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, आप जाइए, आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा होगा ना, और वैसे भी मुझे गुड्डू से कुछ बात करनी है। हाँ गुड्डू, बोलो ना। यहाँ बैठ जाओ भैया, हमें घुमा लाओ ना बोट में। तुम्हारे साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है रमेश। सच कह रही हो तुम, मुझे भी नहीं पता लगता। अच्छा एक बात बताओ, कल रात में तुमने हमारी वैलेंटाइन डे की फोटो क्यों मांगी थी? फोटो मांगी थी? धक देरी की, तभी काजल सुबह गुड्डू गुड्डू गा रही थी, अब समझ में आया मेरे को। क्या हुआ? अरे यार, मैंने तुम्हारा नंबर ना गुड्डू के नाम से सेव करा हुआ है। इसका मतलब काजल को हमारे बारे में सब पता चल गया। अच्छा हुआ काजल को हमारे बारे में पता लग गया, मैं कब से उसको तलाक देने की फिराक में। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ आयशा। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो जानते हो ना मेरे नशेड़ी पति अशोक का, कल उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे मारा। Yes, please. किसने सोचा था मेरे सपनों में आने वाला यूं मेरे सामने आ जाएगा। Excuse me, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, यहीं हूँ। आपका क्लिनिक काफी वेल मेंटेन्ड है और आपकी वाइफ भी बहुत सुंदर है। जी जी नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है, दरअसल ये मेरी सिस्टर है और मैं तो अभी बैचलर हूँ, फिलहाल ये क्लिनिक मेरा नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे बैठता हूँ। इतना हैंडसम डॉक्टर और अभी तक बैचलर? दरअसल मेरे पिताजी जो है ना, वो चाहते हैं कि मेरा एक खुद का नर्सिंग होम हो, और ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी आज के टाइम पे जिसका परिवार इतना ज़्यादा अमीर हो कि मेरे लिए गांधी चौक जैसी जगह पे नर्सिंग होम खुलवा सके। That's why मैं अभी तक बैचलर हूँ। अरे बस बस,
सारी दवाइयाँ यहीं रखे जाएंगी क्या? I'm so sorry. Okay. Okay. Thank you and wish you luck. Thank you so much. कितना हैंडसम था यार। अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना तो मैं उस कोंगा पंडित को छोड़कर इससे शादी कर लेती। हेलो रंजना, अबे तुझे पता है मेरा ड्रीम वाला लड़का मिल गया यार। अबे वो तो डॉक्टर निकला यार। अब तो दिन में भी सपने देखने लग गई। अरे यार, मैं अभी उसके क्लिनिक से बाहर निकली हूँ। तू सच बोल रही है? सच बोल रही हूँ यार। वाह, लेकिन क्या फायदा, तू तो शादीशुदा है। देर से मिला वो तुझे। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी मेरा पति किसी काम का तो है नहीं, और मुझे पता है कि उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, और मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। अच्छा, तो अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या बात है, 3 महीने में आज पहली बार मास्टर साहब स्कूल से सीधा घर। देखो काजल, ये रोज रोज का लुका छुपी का खेल खत्म करो। तुम्हें पता है मैं आयशा से प्यार करता हूँ, मुझे तलाक दे दो और मुझे जाने दो। दो पेपर्स, करती हूँ साइन। दो मास्टर साहब, मुझे 80 लाख दे दीजिए और तलाक ले लीजिए। 80 लाख? तुम्हें पता है 80 लाख में कितने जीरो होते हैं? देखो रमेश, अगर तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए तो मुझे 80 लाख दे दो और जाओ जाके उस आयशा से शादी कर लो। 80 लाख तो नहीं है मेरे पास, तो तलाक भी नहीं दे सकती मैं। ये 10 लाख रुपए किसके खाते में जमा किए? मेरे घुटने के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में जमा किए हैं, समझी? अब हम वहीं जा रहे हैं, अपना ना टेम्परेचर थोड़ा डाउन रखा करो। चलिए माँ। रमेश का 30 लाख का इंश्योरेंस है। पॉलिसी मैच्योर होने पर मिलेंगे 30 लाख, और अगर एक्सीडेंट में मौत होती है तो मिलेंगे 60 लाख। नॉमिनी। अरे वाह, अगर रमेश की एक्सीडेंट में मौत होती है तो 60 लाख का इंतजाम तो हो गया, बाकी बचे 20 लाख गहने गुने मिलाकर, और रमेश की मौत के बाद उसकी माँ का भी तो सारा सामान मेरा ही होगा। एक तरफ है प्यार और सपना, और दूसरी तरफ है धोखेबाज पति जो मुझे छोड़कर किसी और के पास जाना चाहता है। जब वो अपनी लाइफ सिक्योर कर सकता है तो मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती? वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आप आइए आइए। Have a seat.
थैंक यू। डॉक्टर साहब आपको याद है मैं लास्ट टाइम जब आपसे मिलने आई थी तो आपने कहा था कि आपके पिताजी का सपना है कि आपका खुद का क्लिनिक हो। हाँ हाँ, लेकिन ये बातें आज आप क्यों पूछ रही हैं? अगर मैं गांधी चौक के पास आपका खुद का नर्सिंग होम बनवा दूं तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं लेकिन मेरे पति रमेश को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। हाँ वो मास्टर है। हाँ वही मास्टर जिसके साथ आपकी बीवी स्कूल में पढ़ाती है ना? पढ़ाती नहीं है, इश्क लड़ाती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हीं ने रमेश को मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतना ही नहीं, तुम्हारी बीवी तुम्हें तलाक देकर भागने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया है, मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया है। गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लो। हम दोनों को कोई ऐसा गेम खेलना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कार चलाना जानते हो? हाँ, जानता हूँ। बस हो गया काम। एक्सीडेंट होगा और तुम फंसोगे भी नहीं। एक मिनट, एक्सीडेंट किसका? वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी, सब समझा दूंगी क्या कब कैसे करना है। तुम मुझे अपना नंबर दो। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मुझे और अम्मा को आए इतनी देर हो गई, शाम के 5 बजने को है। ये काजल आज गई तो गई कहाँ? इसको ऑफिस का बैग भी यहीं पड़ा है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अच्छा। अब दिल्ली वाले डॉक्टर ने आज से 3 दिन बाद, मतलब आज मंडे है ना, फ्राइडे को बुलाया। अब तुम दिल्ली चलने की तैयारी कर लो। बेटा मेरे घुटने पे लगाने वाला तेल खत्म हो गया है, ला देना। हाँ माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुनो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। काजल बोल रही हूँ, तुम्हारा शिकार घर से निकल चुका है। वो हमेशा पुलिया वाली रोड की तरफ से जाता है। काम पूरा हो जाना चाहिए।
रमेश तुम यहाँ इस समय? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस फ्राइडे माँ को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उससे पहले सोचा तुमसे मिलता हुआ जाऊँ। और तो और काजल से तलाक की बात भी कर ली मैंने। क्या कहा उसने? क्या कहना है, एलमिनी मांग रही है। पता नहीं यार उससे कैसे छुटकारा पाऊँ। तुमने अपने हस्बैंड से बात करी? उससे बात करके कोई फायदा नहीं है, उससे तो पूरे तरीके से छुटकारा पाना होगा। मतलब? हेलो, हाँ जी बोल रही हूँ। क्या, कब और कैसे? ठीक है मैं अभी आती हूँ। किसका फोन था, क्या बात हुई, कुछ बताओगी? हॉस्पिटल से फोन था, अशोक की एक्सीडेंट से डेथ हो गई। बॉडी क्लेम के लिए बुलाया है। मुझे तो बिना कुछ किए छुटकारा मिल गया, तुम भी आजाद हो जाओ। अंजना यार, तेरा बैड लक, यमराज रमेश की जगह अशोक को अपने साथ ले गया। मतलब अशोक मर गया और रमेश बच गया? हाँ। मैं बोल रही हूँ, प्लान बी का वक्त आ गया है। तैयार रहना, मैं तुम्हें जैसे ही मैसेज करूंगी, काम हो जाना चाहिए। भैया एक लस्सी दे रहा। भैया मैं अभी दो मिनट बाद आया, इसको किसी को देना मत, ठीक है? ये लो। काजल, काजल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बताओ मुझे माफ कर दोगी ना? अरे तू तो मेरे घुटनों के लिए तेल लेने गया था ना? हाँ माँ, मैं अभी तुम्हारे लिए घुटने का तेल लेके आता हूँ। इनफैक्ट हम दोनों तुम्हारे लिए घुटने का तेल लेके आते हैं। रुको, मैं बैग लेकर आती हूँ। रमेश, रमेश, रमेश क्या हो गया? कोई पुलिस को बुलाओ, प्लीज उठो, प्लीज कोई मदद करो, प्लीज कोई मदद करो, कोई पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुला दो, प्लीज प्लीज रमेश उठो, रमेश उठो, रमेश उठो। क्या हुआ? देखिए ना सर, मेरे पति को क्या हो गया, इन्हें चोट लग गई है। प्लीज सर बचा लीजिए इन्हें। ये तो मर चुका है, एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर, आप लोग हटिए, चलिए चलिए यहाँ से, हटिए चलिए। आप साथ में थी जब इनका एक्सीडेंट हुआ? नहीं सर, बस दो तीन कदम पीछे थी। उस गाड़ी का नंबर देखा आपने? उस गाड़ी का कलर मॉडल कुछ तो देखा होगा आपने? नहीं सर,
सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कुछ नहीं देखा सर। मैडम आप परेशान मत होइए, हम बहुत जल्द इस गाड़ी को उसके ड्राइवर को पकड़ लेंगे। मैडम मैं इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आया हूँ, मुझे आपके हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ताकि आपको 60 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिल सके। मिसेस काजल आपने बताया नहीं आपके पति का इतना बड़ा इंश्योरेंस था। जी मैं कुछ समझी नहीं। जी मैं सब कुछ समझ गया हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हुआ नहीं है बल्कि आपने प्लान करके करवाया है ताकि बीमा की बड़ी रकम आपको मिल सके। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, सब झूठ है, मैंने नहीं मारा किसी को। राम सिंह लेके आओ उसको। बताओ पैसा तुम्हें किसने दिया था? हाँ साहब यही मैडम आई थी मेरे पास एक्सीडेंट कराने के पैसे देने। और एक्सीडेंट के थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे फोन भी दिया था। इसे गिरफ्तार करो और ले चलो।